लंच ला के दे। अरे तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो यही बैठे रह जाओगे कमरे। अरे मैं है सुमित देखने के लिए गया है। सुमित से कुछ नहीं होगा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में क्या होने वाला है जो आप लोगों की डिमांड के ऊपर है कि प्रैंक करो सलोनी के ऊपर, प्रैंक करो सलोनी के ऊपर। तो आज मुझे फाइनली मौका मिल गया है। ये मौका मुझे कैसे मिला है, क्योंकि सलोनी आज कुछ नेल एक्सटेंशन कराने के लिए गई है बाहर और ब्लशु को हमारे पास 4-5 घंटे के लिए छोड़ दिया है। मेरे दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आया कि हम ये बोलेंगे कि हमसे गलती से ब्लशु खो गया, मतलब कहीं चला गया ब्लशु। तो पहले मैंने ऐसा सोचा था कि सुमित को बोल दूंगा कि कहीं लेकर चले जाए ऐसे, पर फिर मुझे लगा कि सुमित को तो देख गई थी घर में, तो अगर सुमित गया हो जाएगा तो उसे शक हो जाएगा कि मतलब हो सकता है कि मतलब ये मजाक कर रहे हैं या प्रैंक कर रहे हो। तो इस काम के लिए हमने परीक्षित को बुलाया, अभी वो आने वाला होगा, पर आज पता नहीं जल्दी बस टाइम पर आ जाए, नहीं तो हमेशा की तरह वो लेट होगा तो फिर लेट होगा, प्रैंक फेल हो जाएगा और परीक्षित को हम बोल देंगे कहीं लेकर चले जाए और सलोनी को पता ही नहीं है परीक्षित आ रहा है या नहीं आ रहा। सलोनी की जान बसती है इसमें, क्योंकि जान बसती है और इधर की जान निकल जाएगी, क्योंकि हमको पता हम दोनों के साथ क्या होगा, हमारी भी लगने वाली, हमारी तो लगेगी, तेरी माँ छोड़ेगी। अब तेरे साथ जो होगा ना, करने से क्या होगा, बेटे को बेटा किडनैप कर लूंगा मैं, क्या हो गया बेटा, बेटा बेटा उसके लग जाती अभी इसको भी लेके खड़ा होगा, लेके खड़ा होगा बेचारे, बुलाया चप्पल में वो भाई सलोनी मैडम अभी गई है नेल एक्सटेंशन करवाने 3-4 घंटे के लिए, और 3-4 घंटे के लिए 2 घंटे तुमने वेस्ट कर दिए, प्रैंक करना है और ब्लशु खो गया और तू ब्लशु को लेकर जाएगा 1-2 घंटे इसको घुमाना, जैसे सलोनी आ जाएगी ना प्रैंक हो जाए तो मैं तेरे को फोन कर दूंगा तब आ जाना। गाइस ये प्रैंक करने का फायदा तभी अगर इस प्रैंक पे 1 मिलियन लाइक आए तो। अरे वो तो जब आएंगे, जब प्रैंक सक्सेसफुल होगा। बेटा तुम्हारी मम्मी हमें हमारे पास छोड़ के चले गए, उनको नहीं पता हम कितने शैतानी लड़के हैं, तुम्हारे साथ जो कर देंगे ना, वही दिन अंकल के साथ जाओगे ना तो ऐसा पटक पटक के काटना है इनको, पूरा खा जाना है इनको। और सुनो तुम्हारा खाना मत लेके जाना, खा जाता है ये। सलोनी का फोन है, वो आ रही 10 मिनट में जल्दी, तो मैं कहा जाऊँ कहीं भी लेके जाए इसको घुमा के ला, कहीं भी घुमा के ले जा। मैं गर्ल्स के पास जाऊंगा, ठीक है, गर्ल्स मैं उनको दिखाऊंगा, इसको लड़कियों के पास ही अंजल अबे आ जाएगी वो जल्दी कर ले, जैसे तो भेज छोड़ा। अरे तो भाई वो आ गई तो बोल भाई, मैं ब्लशु इसको कुछ हुआ ना मेरे जैसे, मैं तेरे को मार दूंगा, मेरा बच्चा है, चल चल चल, तेरे बच्चे बहुत सारे पता है, हर गली में मेरा एक बच्चा, मैंने बड़ी जगह खाते बोले। सो गाइस सलोनी अभी 10 मिनट में आने वाली है, जल्दी जल्दी कैमरे में सब कुछ फिट करता हूँ मैं दोनों में। सो गाइस हमने यहाँ पे कैमरा फिट कर दिया है, पीछे फ्रिज के पीछे छुपा दिया, पूरा बॉक्स मॉक्स में फिट कर दिया, और एक कैमरा बाहर वाले रूम में लगा दिया, वो अलमारी के पीछे छुपा दिया, और सलोनी अभी आ गई, कॉल कर दिया उसने, नीचे ऊपर आ रही लिफ्ट से, बस भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि सक्सेसफुल हो जाए प्रैंक, और अगर ये इस बार मेरे को पिटाई पड़ी तो मैं कुछ नहीं जानता। सलोनी आ रही होगी, एक बाहर वाला देखते हैं, बाहर वाला कैमरा फिट है कि नहीं, उस फ्रेम में देखता हूँ, अपने पता नहीं आता, अरे स्प्रे में मैं ऊपर नीचे हो रहा, मैं पता नहीं क्यों मैंने फिट करा है, कैसा पीछे है क्या है, अलमारी की बात दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है इसमें मेरी शक्ल दिख रही नहीं दिख रही, बस मैं बैठा हूँ यहाँ पे, बैठा हूँ